सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में इस समय अक्षरा और अभिमन्यु को दूर करने में सबसे बड़ा हाथ महिमा का है, जो सबूत को ना तो सामने लेकर आ रही है, साथ ही वो अभिमन्यु को अक्षरा के खिलाफ भड़काने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब अभिमन्यु को सारा सच पता चलेगा तो आपको सीरियल में बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी इस समय सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देख ही रहे होंगे कि हॉस्पिटल में ड्रामा के बाद अब बिल्ला हॉस्पिटल बंद होने की कगार में पहुंच गया है। वहीं गोयनका फैमिली को भी कायरा और मनीष के जेल में होने की वजह से बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और दोनों फैमिली के बीच लगातार प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करता नजर आएगा और हर्षवर्धन अभिमन्यु और अक्षरा के बीच सब कुछ ठीक करता भी दिखने वाला है और उसी की वजह से अक्षरा वाले सारे सबूतों के बारे में अभिमन्यु को पता चलेगा, जिसके बाद आपको सीरियल में काफी कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि महिमा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, उल्टा वो अक्षरा पर ही आरोप लगा रही होगी, साथ ही वो अक्षरा को थप्पड़ मारने की भी कोशिश कर रही होगी जिसे अभिमन्यु रोकता नजर आएगा और वो उल्टा महिमा पर ही गुस्सा करता दिखने वाला है। आपके हिसाब से सच के सामने आने के बाद अभिमन्यु को महिमा को माफ करना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।